हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू गेम के बारे में। गेम का नाम है कैप्टन कैप्टन दावा बदल। गेम नंबर है 14। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा गेम है, आपने भी ये स्कूल में शायद खेला होगा। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊं आपको, तो सबसे पहले गेम का नाम भी आपको पता है, कैप्टन कैप्टन दावा बदल, यानी कि कैप्टन को क्या करना है, दाव बदलना है। अब दाव कौन सा बदलना है वो देखते हैं। फिर स्थल, ये मैदान में भी खेल सकते हैं, कमरे में भी खेल सकते हैं, ठीक है, गली में भी खेल सकते हैं, बहुत सिंपल है और किसी को चोट लगने के भी, ठीक है, कोई झंझट नहीं, इसमें कुछ नहीं होता। फिर संख्या, तो जितने भी लोग हैं वो खेल सकते हैं इस गेम को, ठीक है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे। अब गेम कैसे खेलना है, तो गेम खेलना बहुत ही सिंपल है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, तो जितने भी लोग खेल रहे हैं वो क्या करेंगे, एक राउंड में बैठ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये बैठे हुए हैं तो उस राउंड में आपको बैठ जाना है। फिर आपको क्या करना है, फिर उसमें से एक बंदा जाएगा दाव लेने, ठीक है, दाव लेने यानी कि कहाँ जाएगा, तो एक बंदा थोड़ा दूर, ये जो बैठे हैं वहां से थोड़ा दूर चला जाएगा। दूर जाके क्या करेगा, उसका मुंह इससे, या मतलब यहाँ जो बैठे हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देगा, यानी वो मुंह घुमा लेगा, वो यहाँ पे नहीं देख सकता, जो ये बंदे बैठे हैं वहां पे नहीं देख सकता। तो फिर से एक बार बोलता हूँ कि ये जो बैठे हैं उसमें से एक बंदा जाएगा दाव लेने जाएगा, वो क्या करेगा, तो वो थोड़े दूर जाएगा जिससे उसको इन लोगों की आवाज ना सुनाई दे, और उसका मुंह क्या करेगा, दूसरी तरफ घुमा देगा कि जिससे वो इसको देख ना पाए, इन लोगों को देख ना सके इससे, ठीक है। तो वैसे ही वहां पे थोड़ा खड़ा होगा। फिर यहाँ पे जो बंदे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ के बंदे हैं वो आपस में डिसाइड करेंगे कि कैप्टन किसको बनाना है। जैसे ही अगर मैं बात करूँ कि इस लड़के को उसने कैप्टन बना दिया कि भाई ये टीम का बंदा है, ये तो ये कैप्टन है, ठीक है, ये पूरी की पूरी टीम है तो उसका कैप्टन है ये। अब कैप्टन है तो वो क्या करेगा, तो कैप्टन ही सबको संभालेगा। फिर कोई भी बंदा किसी को, मतलब सबको तो बता देना है कि ये कैप्टन है, पर जो दाव लेने गया है उसको नहीं बताएगा कि ये कैप्टन है। दाव लेने वाला ढूंढेगा कि कैप्टन कौन है, ठीक है। तो ये सब बंदे जो दाव लेने गया था उसको बुला के आएंगे, ठीक है। तो बुला के लाए, फिर उसको यहाँ पे सर्कल के बीच में, यहाँ पे जो बैठे हैं उसके बीच में खड़ा करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो यहाँ पे आएगा, उससे पहले सब लोग क्या करेंगे, ताली बजाते रहेंगे, ठीक है, ताली बजा के ऐसे ही बैठे रहेंगे। जैसे ही वो बंदा आएगा, बीच में खड़ा होगा और सबको देखेगा। जैसे ही ये बंदा है यहाँ पे बीच में जो खड़ा है वो इस लड़की को देखेगा, तो ये लड़की क्या कर रही होगी, तो ये तो ओबियसली ताली बजा रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमें पता है कि सबको ताली बजा के ही चालू करना है, ठीक है। तो ये लड़की ताली बजाती रहेगी। फिर अगर ये लड़का इसको देख रहा है, तो ये पीछे वाला जो कैप्टन है वो क्या करेगा, ये बीच वाले लड़के को पता ना चले, उसके मुताबिक ये क्या करेगा, अपना दाव चेंज कर देगा। दाव क्या चेंज करेगा, जैसे कि ये सब लोग ताली बजा रहे थे, तो अब ये क्या करेगा, जैसे कि कुछ अलग एक्शन भी कर सकता है, जैसे ये अपने हाथ को लेके अपने सिर पे मार भी सकता है, जैसे कि ये क्या करेगा, ये अपने हाथ भी ऊपर कर सकता है और इस सिर पे मार भी सकता है, या फिर अपनी हाथ की उंगली ऊपर करके घुमा भी सकता है। उसको जो एक्शन पसंद हो वो यहाँ पे कर सकता है। अगर उसको ऐसा लगे कि बालों में खुजली करना है तो बालों में खुजली भी कर सकता है। तो बाकी के सारे बंदे क्या करेंगे, बाकी के सारे बंदे ये कैप्टन ने जो किया है वो दोहराएंगे, यानी ये अगर बालों में खुजली कर रहा है तो बाकी के बंदे भी क्या करेंगे, बालों में खुजली करेंगे। अगर ये हाथ ऊपर करके घुमा रहा है तो बाकी के बंदे भी हाथ ऊपर करके घुमाएंगे, ठीक है। तो इसने दाव चेंज कर दिया, पहले सब ताली बजा रहे थे, फिर क्या किया, तो फिर उसने हाथ घुमाना चालू किया, तो सारे बंदे हाथ घुमाएंगे। अब ये जो बीच वाला बंदा है उसको पहचानना है कि इन सब में से कैप्टन कौन है, ठीक है। उसको 3 चांस मिलेंगे जवाब देने के लिए, ठीक है। तो वो जैसे ही इस बंदे को बोलेगा कि भाई ये कैप्टन है, तो जवाब आएगा नहीं ये नहीं है, तो इसको फिर से ढूंढना पड़ेगा। तो वो जैसे ही यहाँ पे सर्कल में बीच में सबको घूर घूर के देखेगा कि भाई कौन कैप्टन है। अगर उसने यहाँ पे देखा इस लड़की को, तो पीछे वाला बंदा दाव चेंज कर सकता है। अगर वो इस बंदे को देख रहा है,
तो वो दाव चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी यही कैप्टन है, ठीक है। अगर इसने दाव चेंज किया तो वो पता चल जाएगा कि भाई ये कैप्टन है, तो वो क्या करेगा, तो ये जो बीच वाला बंदा उसकी तरफ नहीं देख रहा होगा तभी वो दाव चेंज करेगा, ठीक है। तो अगर वो यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है, तो वो दाव चेंज कर सकता है, पर अगर इस साइड देख रहा है तो वो दाव चेंज नहीं कर सकता। अगर वो उस इस साइड देखा तो फिर से वो दाव चेंज करेगा, कुछ नहीं एक्शन या फिर नया कोई एक एक्शन वो निकालेगा और फिर शुरू कर देगा, तो बाकी के सब भी उसके जैसे नई एक्शन शुरू कर देंगे। तो जो कैप्टन करे वो करना है, पर कैप्टन को या फिर ये बीच वाले बंदे को है उसको पता नहीं चलना चाहिए कि कैप्टन कौन है, ठीक है। तो कैप्टन को बचाना है और कैप्टन के अनुसार जो भी एक्शन करे वो हमें करना है, ठीक है। तो गेम बहुत मजा आएगा, आप खेलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।